Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are having a great time guys. आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मकेन के फ्रेंच फ्राइज के बारे में गैस। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो, बट आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गैस। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मकेन के फ्रेंच फ्राइज का पैकेट रखा है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही सिंपल सी है। मकेन फ्रेंच फ्राइज क्रिस्प एंड डिलीशियस, रेडी इन 3 मिनट्स। और जब मैंने इसे परचेज किया था तो मुझे ऑफर में मिला था, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, बाय वन गेट वन फ्री, फ्राई और बेक, स्टोर इन फ्रीजर, कुक विदाउट थाइंग। और जो इस प्रोडक्ट की नेट क्वांटिटी है वो 420 ग्राम इसकी नेट क्वांटिटी है गैस। और जो इसका एक्चुअल प्रोडक्ट, जो इसका मेन प्रोडक्ट है गैस, वो फ्रोजन फॉर्म में, ये आपको यहाँ पे खाली सर्विंग सजेशन के लिए फोटो प्रिंटेड है यहाँ पर। और गैस आप इसके बैक साइड में देखते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इसकी फुल डिटेल्स, जैसे कि इसमें कितना परसेंट कैलोरीज हैं, या फिर इसकी जो बेस्ट बिफोर डेट है, या फिर इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सारे आपको फुली लिस्टेड इसके बैक साइड में मिल जाएंगे। और आप इसकी अदर वेराइटीज भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि वेजी बर्गर पैटी, और भी इसकी कई सारी वेराइटीज आती हैं गैस, तो आप वो भी चेकआउट ट्राई कर सकते हैं। और गैस इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो हैं पोटैटो, पाम ऑयल, व्हीट मिल एंड सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स गैस यूज हुए हैं इसमें। और जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गैस, आप इसे 3 टाइप से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला, आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। सेकंड, आप इसे बेक भी कर सकते हैं ओवन में। और थर्ड वन है गैस, आप इसे एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है गैस, आपको कुछ नहीं करना है। या तो आपको इसे बेक कर लेना है, या एयर फ्रायर में इसे फ्राई कर लेना है, या फिर जैसे आप डीप फ्राई करते हैं कोई भी स्नैक्स, इसको वैसे ही आपको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे इसकी कैलोरीज दी हुई हैं 100 ग्राम ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट, पर 100 ग्राम ऑफ फ्रोजन प्रोडक्ट एनर्जी, प्रोटीन लेवल, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सारे कंपोजिशन इसमें दिए हुए हैं गैस। और गैस इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसको आपको माइक्रोवेव के लिए, ये माइक्रोवेव में आप इसे फ्राई नहीं कर सकते, यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, नॉट सुटेबल फॉर माइक्रोवेव कुकिंग। और गैस यहाँ पर इसकी स्टोरेज इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है कि फ्रोजन एट 18 डिग्री सेल्सियस और बिलो। और अगर आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई कंप्लेन या कोई इश्यू हो, तो आप यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अपने सजेशंस या अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं गैस। और गैस इसे जो बेक करने का तरीका है वो है, आपको अपने ओवन को प्री हीट करना होगा 220 डिग्री सेल्सियस पर। और उसके बाद गैस बेकिंग ट्रे में आपको इसे इसकी लेयरिंग करके इसे बेकिंग ट्रे में रखना होगा। उसके बाद गैस आपको इसे 18 मिनट्स तक गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लेना होगा। और गैस अगर आप एयर फ्रायर में इसे फ्राई करते हैं तो आपको अपने एयर फ्रायर को 200 डिग्री सेल्सियस पर 18 से 20 मिनट तक इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना होगा। और माइक्रोवेव कुकिंग के लिए ये नहीं है गैस। तो गैस ये था मकेन फ्रेंच फ्राइज क्रिस्प एंड डिलीशियस का गैस रिव्यू वीडियो। आई होप सो गैस आपको मेरा ये वीडियो, मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा गैस। मैं फिर मिलूंगी ऐसे कई सारे रिव्यूज के साथ, ऐसे कई सारे वीडियोज के साथ गैस। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड गैस टेक केयर, बाय बाय।